हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ठंडी का मौसम पूरी तरह से आ गया है और ऐसे में अपने खरगोश को और उसके बच्चों को क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि विंटर सीजन में रैबिट को क्या डाइट दें या ठंडी के मौसम में खरगोश को क्या खिलाएँ और क्या ना खिलाएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि खरगोश से जुड़ी वीडियो ही बनाता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, खरगोश को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए ठंडी के मौसम में, सुबह से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सुबह में आप अपने खरगोश को हल्का गुनगुना पानी दें, और अगर आपके पास गुनगुना पानी अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी दे सकते हैं, लेकिन वो बासी या बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। और उसके बाद आप उसे पैलेट्स दें और थोड़ा फल फ्रूट भी दे सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, आप दे सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह उसको नरम चारा कोई भी, जैसे मूली के पत्ते, गोभी के पत्ते, पत्ता गोभी या कोई भी नरम चारा बिल्कुल ना दें। दोस्तों, सुबह सुबह ड्राई फ्रूट देना ही आपके रैबिट के लिए बेटर होगा, और उनको आप सुबह सुबह पैलेट्स यानी खरगोश को खिलाने वाला पशु आहार, हम लोकल भाषा में जिसे कहते हैं, और उसके साथ साथ थोड़ा रोटी भी दे सकते हैं, बिस्किट भी दे सकते हैं। जहाँ तक हो सके ठंडी के मौसम में आप ड्राई फ्रूट ही देने की कोशिश करें। उसके बाद आप अपने खरगोश को दोपहर तक कुछ भी ना दें, और फिर दोपहर के खाने में आप उन्हें नरम चारा जैसे गाजर, मूली, पत्ता गोभी, गोभी आदि के पत्ते दें। और दोस्तों, खरगोश का ठंडी के मौसम में फेवरेट फूड है बरसीम, हरी धनिया, मेथी के पत्ते अगर आपके पास उपलब्ध है तो ज़रूर दें, ये काफ़ी शौक से खरगोश खाते हैं और इससे उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। और साथ में हरी घास जो भी आपके पास हो दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास दो खरगोश हैं और आप अगर उन्हें पिंजरे या केज में बंद करके रखते हैं तो 2 से 3 घंटे के लिए दौड़ने कूदने के लिए छोड़ दें, जिससे उनको काफ़ी एनर्जी और टेम्परेचर मिलता है। और शाम को आप उन्हें खाने के लिए हरी घास, बरसीम और हो सके तो थोड़ा सेब या जो भी फल फ्रूट आपके रैबिट को पसंद आता है वो दे सकते हैं। आप अपने रैबिट को ठंडी के मौसम में कभी भी ज़्यादा मूली के पत्ते और गोभी के पत्ते बिल्कुल भी ना दें, नहीं तो उनकी लाइटिंग पतली हो जाएगी और उन्हें डायरिया की भी शिकायत हो सकती है। और दोस्तों, ठंडी के मौसम में आप अपने खरगोश को पालक बिल्कुल भी ना खिलाएं, पालक आपके खरगोश के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। लेकिन आप अपने खरगोश को शाम को खाने के लिए हे यानी सूखी घास, दूब, बरसीम, मेथी, हरी धनिया दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, अगर आपके पास 25 से 35 या 40 दिन के बच्चे हैं तो आप उन्हें बरसीम खिला सकते हैं। हमारे लोकल भाषा में एक पौधा होता है जिसे हम करेमुआ कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको भी आप अपने छोटे छोटे बच्चों को खिला सकते हैं। और दोस्तों, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को हार्ड फूड जैसे पैलेट्स, रोटी, बिस्किट या कोई भी हार्ड फूड बिल्कुल भी ना दें, नहीं तो उन्हें हाजमे की शिकायत हो सकती है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो सकता है और बच्चे मर भी सकते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक सी चीज़ें जिसे फॉलो करके आप अपने खरगोश और उसके बच्चे को ठंड लगने से और मरने से बचा सकते हैं। आपको ज़्यादा हाई फाई, ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास पैलेट्स या फल फ्रूट ज़्यादा नहीं है या आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें चिंता करने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर रैबिट लवर हैं तो आप भी अपने खरगोश को ये बातें फॉलो करके आराम से खिला पिला कर रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके यार दोस्तों के पास रैबिट है तो शेयर करें, जिससे ये जानकारी उनको भी मिल सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने रैबिट के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। हम आपके लिए ऐसे खरगोश से जुड़ी नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।